ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बींग। फंडामेंटल समझ में आ गया, बेसिक चीज़ है भैया, है ना। कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है? अननोटिसेबल। कभी कभी ग्रोथ जो है नोटिस नहीं होता है, जैसे कि है ना, हम लोग के आसपास में है ना, जो ना बच्चे लोग जो ग्रो होते हैं, देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, हाँ हो रहा है, हो रहा है। अब वही जो है उसके है ना, मामा जी, नाना जी, चाचा जी आते हैं है ना, लाइक 10 साल के बाद उससे मिलने के लिए, देखते हैं बहुत बड़ा हो गया, गेटिंग। लेकिन जो उसके साथ में उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये है कॉन्स्पिकुअस, नोटिस नहीं हो पाता, ठीक है। तो ग्रोथ जो है बहुत बार नोटिस नहीं हो पाता है। आप जो है टाइम फ्रेम में देखिएगा, है ना, लाइक 2 ईयर्स लेटर 3 ईयर्स लेटर एंड ऑल, तब फिर समझ में आएगा। लेकिन ऐसे थोड़ा सा लाइक वो है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ, एकाएक नहीं हो रहा है, गेटिंग। इवन हमारी सिया भी है ना, मैंने बहुत छोटे थे, इतने थे, धीरे धीरे धीरे, वैसे इसका ज़्यादा है नहीं, हमको लगता है 1.5 साल हुआ है, 1.5 या 2 साल। वॉट इज ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, ये इरिवर्सिबल है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, परमानेंट ग्रोथ है। इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, ऑर्गन का साइज या फिर पार्ट्स का साइज, या इवन एक इंडिविजुअल सेल भी ग्रो करता है, ठीक है। इनफैक्ट सेल डिवीजन के बाद जो इंटरफेज होता है, सेल डिवीजन हुआ उसके बाद जो इंटरफेज होता है उसमें सेल ग्रो करता है, ठीक ना। सेल डिवीजन जो हम लोग पढ़े हैं, जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट्स बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दैट ऑकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनाबॉलिक मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों चीजें होंगी। कैटाबॉलिक कैसे होगा? सिंपल है, जैसे कि है ना, छोटा बच्चा है, वो खाना खा रहा है, तो खाना जो है बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूटा, कैटाबॉलिज्म हुआ। अब वो टूट करके फिर वो खाना जो है एब्जॉर्ब हुआ, वो टूट करके एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद फिर वो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स फिर से जुटे और उसके बोन्स, मसल्स, इन सबको डेवलप किया, तो फिर वहाँ पे एनाबॉलिज्म दिखा हम लोगों को, ठीक है। इट इज द ग्रोथ, इज ग्रोथ में दोनों चीज़ें होंगी, कैटाबॉलिज्म भी होंगी और एनाबॉलिज्म भी होंगी। Therefore, for example, expansion of leaf is a growth. Leaf ka expansion bhi growth hai. How would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? Ye osmosis se hoga, theek hai? Acha, isko hum log growth bolenge ki nahi bolenge? Kyunki ye bahut hi external, एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, गेटिंग ना, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? हम लोग जो है, हम लोगों का ग्रोथ होता है ओवर, है ना, किसी एज तक ग्रोथ करेंगे, उसके बाद फिर ग्रोथ नहीं होता हम लोगों, लेकिन प्लांट्स होता ही रहेगा, ग्रोथ नहीं रहेगा। Plant growth is unique because plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. जिंदगी भर वो grow करता है. The ability, this ability of the plants is due to the presence of meristems at certain locations in their body. ठीक है, meristem. Meristem क्या होता है? Meristematic tissue जो कि cell division करता है, है ना? यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोगों को 3 meristem दिखा, यहाँ पे दिया हुआ है, shoot apical meristem, lateral meristem और रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल क्या हो गया? शूट ऊपर से ग्रो होता, लेटरल मोटाई, मोटापा ग्रो होगा, और रूट एपिकल मतलब कि रूट लेंथ में बढ़ेगा, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम इट कॉजेज प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब कि लेंथ बढ़ाएगा,
और सेकेंडरी मेरिस्टेम इट विल कॉज द ग्रोथ इन थिकनेस दैट इज वाइडनिंग ऑफ द प्लांट. क्लियर है क्या? लिख लीजिए इसको. The cells of such meristems have the capacity to divide and self-perpetuate. Divide मतलब cell division, self-perpetuate मतलब क्या है? एक अपने से ही दो बनेगा, चार बनेगा, आठ बनेगा, है ना? Self-perpetuate. The product, however, soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. ये important है. जो meristematic tissue है वो क्या कर रहा है? Cell division कर रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर करता रहेगा. एक समय के बाद वो सेल डिवीजन करना बंद कर देगा और वो क्या करेगा? इट मेक्स अप दी प्लांट बॉडी. तो प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल, सेल्स आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन और वो बन जाएगा क्या? परमानेंट सेल, विच आर मैच्योर सेल्स बट दे आर इनकेपेबल ऑफ, ठीक है? तो अब परमानेंट सेल जो है या तो सिंपल होगा या तो कॉम्प्लेक्स होगा. सिंपल सेल्स में क्या आ जाएंगे? एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आए जाएंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि दो तीन प्रकार के सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं. This form of growth, wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem, is called the open form of growth. ठीक है, इसमें हमेशा जो है नए नए cells बन करके add हो रहे हैं. What would happen if the meristem ceases to divide? Meristem जैसे ही cease किया division को तो क्या हो जाएगा? Length नहीं बढ़ेगा, thickness नहीं बढ़ेगा. Does this ever happen? In chapter 6, you have studied about the root apical meristem and the shoot apical meristem. You know that they are responsible for the primary growth of the plants and principally contribute to the elongation of the plants along their axis. Axis plant ka kya hai? Ye hai axis. You also know that in dicot plants and gymnosperms, the lateral meristems, the vascular cambium and the cork cambium appear later in life. और डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म्स में क्या हो जाता है कि ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये थोड़े समय के बाद प्लांट में आता है. दीज आर द मेरिस्टेम दैट कॉज द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे आर एक्टिव. गर्थ मीन्स ये थिकनेस. दिस इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, जो कि फिगर 15.2 में दिया हुआ है. देखिए आप लोग ध्यान से. 15.2. There is shoot apical meristem, there is root apical meristem. Length बढ़ रहा है उससे, ठीक है? Then there is shoot, then there is root. दोनों में vascular cambium है. दोनों से जो है क्या बन रहा है? क्या बढ़ रहा है? Thickness बढ़ रहा है. Clear है क्या? Diagrammatic representation of the locations of the root apical meristem, the shoot apical meristem and the vascular cambium. Arrows exhibit the direction of the growth of cells and arc. Next. Growth is measurable. At a cellular level, growth is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. Okay, so cell membrane ke andar jo bhi cheeze hain that constitute the protoplasm. तो यहां पे दिख रहा है हम लोग को सेल ग्रोथ हो रहा है. सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट. ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड द सेल नंबर. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़्यादा है ना, कुछ ज़्यादा डेफिनेट चीज़ें हैं ये सब, ठीक है? तो फ्रेश वेट या ड्राई वेट इंक्रीज हुआ या लेंथ, एरिया, वॉल्यूम जो भी इंक्रीज हुआ उसके कारण क्या हो जाएगा? वी कैन टेल दैट ग्रोथ हो रहा है. यू मे फाइंड इट अमेजिंग टू नो दैट वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर. Whereas cells in a watermelon may increase in size by up to 3,50,000
टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेज में हम लोग देख रहे हैं नए सेल्स बन रहे हैं, ये रहे क्या। द लैटर एक्सप्रेसेस ग्रोथ एज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल, लेकिन वाटरमेलन में क्या हो रहा है, वाटरमेलन में साइज ऑफ अ सेल बढ़ रहा है, क्लियर है क्या, ठीक है। व्हाइल द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। तो ग्रोथ जो है अलग अलग चीजों का आप अलग अलग वे में मेजर कर सकते हैं। पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कैसे होता है, तो लेंथ बढ़ता था, ठीक है, यहां पे पॉलन ग्रेन और इधर से पॉलन ट्यूब निकलता था, ठीक है, और इसका लेंथ बढ़ेगा और ये जा करके यहां पे फर्टिलाइजेशन करेगा। वही लीफ का जो है सरफेस एरिया बढ़ता है, जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि भैया ग्रोथ हो रहा है लीफ, ठीक है। फेजेस ऑफ ग्रोथ ये हम लोग